हेलो, माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी रसोई में। मैं हूँ कांता। आज मैं बनाऊंगी वेजिटेबल सूप, जो कि रिक्वायरमेंट आई है ज्योति परिहार फ्रॉम मुंबई से। तो ज्योति जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल सूप, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थानी रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमने नाम के अकॉर्डिंग बहुत सारी सब्जियां ली है। हमने यहाँ लिए हैं बीन्स, गाजर, शिमला मिर्ची, मटर, पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर। इन सबको हमने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं, लहसुन की 7-8 कलियाँ छील कर हमने गोल गोल काट ली है, अदरक के भी हमने टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ हमने बटर लिया है, काली मिर्ची, काला नमक, सेंधा नमक, सफ़ेद नमक, गार्निश के लिए हरा धनिया और 1 चम्मच हमने नींबू का रस लिया है। थोड़ा सा हमने मैदा लिया है। यहाँ हमने कढ़ाई ली है, इसमें हम डालेंगे बटर और बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बाकी हम इसमें अदरक के टुकड़े भी डाल देंगे। अदरक और लहसुन का फ्लेवर जो है सूप में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। प्याज, अब इसमें डालेंगे हम पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, लाल गाजर, बीन्स और साथ ही डाल देंगे इसमें हम मटर। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी सर्दी की सीज़न है तो मार्केट में हर सब्जी उपलब्ध है, तो आप जो चाहिए वो सब्जियां इसमें और डाल सकते हैं, जैसे कोई पत्ती प्याज है, फूल गोभी है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर और ये स्वीट कॉर्न। और इनको मिक्स कर देंगे। एक छोटा चम्मच हम काली मिर्ची डालेंगे, एक छोटा चम्मच सफेद नमक, एक छोटा चम्मच सेंधा नमक और एक छोटा चम्मच काला नमक। और इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। देखिए, इसमें आप 1.5 गिलास के करीब पानी डालिए। हम इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि पानी जो अच्छे से बॉईल हो जाए। देखिए, पानी उबल चुका है। हमें सब्जियां सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे कुक करना है। मैदा लिया था, इसको हम थोड़ा सा पानी में घोलेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको हम डालेंगे सूप के अंदर, एक हाथ से डालते जाएंगे, एक हाथ से मिलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब इसको ढक्कन लगा के सब्जियां सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए, पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। चेक करते हैं, देखिए कितना अच्छा गाढ़ापन आया है। सब्जियां जो है आपस में घुल मिल चुकी है। ये देखिए, सारी सब्जियां सॉफ्ट भी हो चुकी हैं, सारी सब्जियां पक चुकी हैं। अब इसको एक अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें मैं डालूंगी नींबू का रस और अब डालेंगे इसमें हरा धनिया। और इसे मिक्स कर देंगे। गैस को बंद करेंगे। अब हम सूप को सर्व करेंगे। ये देखिए, टेस्टी लाजवाब सूप, हेल्दी फुल सूप तैयार है।
तो देखिए टेस्टी और हेल्दी फुल खूब सारी सब्जियों से बना हुआ हमारा वेजिटेबल सूप तैयार है। खाना खाने से पहले सर्दियों में ये सूप जरूर पिए, बहुत अच्छा लगता है ये सूप और बड़ों को बच्चों को सभी को पसंद आएगा और बच्चों के लिए तो बहुत गुणकारी होगा क्योंकि इसमें सारी सब्जियां हैं। तो आप जरूर बनाइए, बनाकर देखिए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए।